2019 में हमारे देश पे काफी अटैक्स हुए थे, राइट, लाइक उरी अटैक हुआ था और भी आतंकवादी हमले हुए थे, विच इज वेरी सैड. बट उसके बाद क्या हुआ, इधर गुड़गांव एनसीआर में ना जितने भी एमएनसीज थे इन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली कि कोई आतंकवादी बाहर से आके इन पे हमला न कर. मैं बहन जो तेरा इंप्लॉय नहीं आना चाह रहा. वो दो बार बोलता कि सर वर्क फ्रॉम होम दे देंगे क्या, आतंकवादी आके उड़ा देंगे. कहां जा रहे इतना कॉन्फिडेंस भाई, कौन आतंकवादी जा रहा है डेलॉइट उड़ाने कि जनाब एक बार डेलॉइट उड़ा देते हैं भारत की अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी. कौन कर रहा है ये? तो मेरे कंपनी ने इतना स्ट्रिक्ट मेजर लिया ना, इसने इतना स्ट्रिक्ट मेजर लिया, इसने मेन गेट पे ऐसा बोर्ड लगा दिया, उस पर लिख दिया आर्म्स एंड एमिनेशन नॉट अलाउड. बस इसको लगा अब तो आतंकवादी आएंगे, ऐसा पाकिस्तान से आतंकवादी आएंगे सेना को डॉज करके, और फिर ये बोर्ड देके दे लाइक अरे अब क्या करें. पाकिस्तान फोन कर रहे हैं, जनाब यहां हमला नहीं कर पाएंगे, यहां अलाउड ही नहीं है. इन लोगों ने मना कर रखा है ना, आतंकवादी है लेकिन एटिकेट भी तो कोई चीज होती है. यहां नहीं करेंगे सर, कहीं और बताइए. जितने भी लोगों को लगता है ना कि जो एमएनसी के बाहर या मॉल के बाहर या स्टॉक कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, उनको सिक्योरिटी से फर्क पड़ता है. मैं बताऊं सर, सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी से कुछ मतलब नहीं है. उनको बस यही कि आपको जो भी करना है इस रजिस्टर में एंट्री करिए, जाइए भाई. फिर वो किसी के नहीं रोक रहा भाई. अब्दुल आया गन वन लेके, उसको बोल रहे लिखना पड़ेगा. वो ऐसे AK-47 पीछे टांग के लिख रहा है, नाम अब्दुल, प्लेस इस्लामाबाद. ये क्या पर्पस? नेशा नाबूद करना लिखा. उसको उसको मना किया कि गनवन ठीक है, पेनड्राइव अलाउड नहीं अंदर. क्लाइंट का डेटा बहुत जरूरी है, सब इंप्लॉयज मर जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, डेटा चोरी नहीं होना चाहिए. तुमने इतना खराब माहौल है यार, उस दिन गाड़ी भर के आतंकवादी आ रहा था, सिक्योरिटी गार्ड कूद के रोका कि सर उसकी फट गई. कह रहा क्या हुआ? कह रहा पार्किंग नहीं. उसने सामने से बोला है कि 2 मिनट दे, अभी पूरा बिल्डिंग उड़ा दूंगा, बस पार्किंग बचेगा. लगा गाड़ी, लगा जितना, यही धंधा खोल. बढ़िया भाई, इतना सिक्योरिटी चल रहा है यार. एक बार आतंकवादी ना गेट खोल के अंदर गया, वहां पे दौड़ते हुए HR रोक दी. इसकी फट गई कि लगता है कोई आदमी को पता चल गया है. वो HR बोल भी रही है कि बहन जो मंडे को कैजुअल कैसे पहन के आ गया है. हम लोग टी शर्ट अलाउड नहीं कर रहे, तू पता नहीं सूट में चला रहा है. पागल है क्या? ये सब मत कर भाई, रंगोली बना. ये अब बोला ये रंगोली बना, तब से आराम से बैठा. कर रहे भाई इतने, कोई बैंक में है यहाँ पे? बैंक में कोई काम करता है? आप काम करते हो? अच्छा, हाथ तो खड़े कर रहे हो ना आप, अच्छे आदमी आप. सीख जो है उस पे हाथ खड़ा करते हैं वो लोग. मैं तो जानबूझ के, भाई मस्त आदमी है यार ये, देख लो मैम अभी भी कुछ हो सकता है. किस बैंक में मैम? HDFC बैंक में. मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बैंक वाले बड़े हरामी. यू आर गुड मैम, बहुत अच्छी. बाकी इतने हराम, इन लोगों ने मेरा इतना चूतिया काटा भाई. मैं आराम से बैठा था, मेरा सपना था एक बार के क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे भी कॉल आएगा. मैं जॉब, मेरे को नहीं किया, मेरे को कॉल आया सामने से बैंक से, देर ले कि सर क्या आप जीरो बैलेंस अकाउंट में इंटरेस्टेड है? मैं कहता हूँ मेरा सैलरी स्लिप इनको भी भेज रहा क्या यार, ये कैसे पता चल रहा है इनको? मुझे लगा ठीक है, मुझे लगा अकाउंट है. मैं कहूँ ठीक है, मैं कहा हाँ इंटरेस्टेड है. इन हराम खोरों ने मेरा अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए.
कह रहा सर कर दिए जीरो, सारा निकाल लिए। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया इनके, मैं वहां से एक लड़की ने फोन उठाया, मैंने बोला कि मैम ये क्या बकचोदी है, ये कैसा जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहा। तो उधर से कह रही है कि ओके सर योर प्रॉब्लम हैज बीन नोटेड, वुड यू वॉन्ट अस टू रिफंड योर मनी। मैं कहा नहीं, मैं बस बता रहा था। तुम लोग देख लो मेरे घर का वास्तु ही खराब है। आप तो नहीं करते कॉल वॉल? आप नहीं करते ना? हाँ चलो ठीक है, करते तो हाथ उठा ही देते आप। भाई यहाँ जितने भी लोग एमएनसी में काम करते हैं ना, उनको पता होगा कि एमएनसी में एक कॉन्सेप्ट है फायर ड्रिल का, तो पता आप लोगों को पता है ना? जिनको नहीं पता मैं बता, इसमें क्या होता है ना कि ये लोग बताते हैं कि अगर कभी ऑफिस में आग लगे तो बचना कैसे। मैं 14 फ्लोर पे था, वहां से भगाया मेरे को नीचे तक। मैं कहा क्या हो गया भाई? कह रहा नाटक कर रहे कि आग लगेगा तो बचेंगे कैसे। मैं कहा बहन जो 14 फ्लोर उतरूंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, तीसरे से तो जल जाते हैं। बट फिर भी बट ठीक है यार, मुझे लगा ठीक है चलो केयर तो कर रहा है यार। मेरा भ्रम तब टूटा जब मेरे ऑफिस में सच में आग लगी, फिर इन हरामखोरों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। मेरे ऑफिस में इतनी तेज आग लगी, और आग लगने में आपको तुरंत भागना पड़ता है यार, आपके पास टाइम नहीं होता ज्यादा। तो मेरे ऑफिस में जब आग लगी ना, इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया है, एंड आई एम नॉट लाइंग, अनाउंसमेंट वेंट लाइक लेडीज एंड जेंटलमैन देयर इज दिस अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज, प्लीज लिसन इट केयरफुल एंड रिस्पॉन्ड इन अ सूटेबल मैनर। मैं तो पीछे आग लगी है, चालू इनका अनाउंसमेंट, दिस बिल्डिंग इज नॉट सेफ एनी मोर, प्लीज फाइंड अ नियर बाई एग्जिट एंड लीव। और इतना बोलने के बाद देयर इज अ फायर। मैं जो पांच लोग ये सुनने में जल गए, वो झुलस गए सुनने में जले वो। अबे आग लगी, सीधे चिल्लाना आग लगी भाग, आग लगी भाग, भागेंगे लोग। देखा फालतू अनाउंसमेंट कर रहा भाई, कौन इतना ये क्या फालतू का अनाउंसमेंट कर रहा है यार। जो जले उनसे बाद में पूछा है कि सर आप कैसे जले, वो बता रहा है कि मैं बेंचो मुझे आग दिख गई थी, मैं भाई साहब सीढ़ी पे खड़ा था, मैं ये चुटिया सुनने अंदर आया था वापस कि कुछ तो बता रहे होंगे ये लोग। कौन सा इंटर्न को रखा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में? और देखो वैसे भी कॉर्पोरेट में लिखा होता है कि इन केस ऑफ फायर यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स। मैंने पहला स्टेप पढ़ा था वहां पर। तो क्या अंदर सीटी लेके हंस रहा है? मैंने पहला स्टेप पढ़ा ना, वहां पे पहला स्टेप लिखा है कि अगर आपको सामने आग दिखे तो आपको आग के ओपोजिट डायरेक्शन में भागना। मैं कहा थैंक्स। ये जो तू नहीं बताता मैं तो सती कर लेता ना। मुझे क्या पता। हाँ जी, दो अनाउंसमेंट है, तो ये वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो तुम कर ही दोगे। पहला अनाउंसमेंट ये है कि लाइव शोज कर रहे हैं, और पहली पांच सिटीज हैं दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ, जयपुर और देहरादून। टिकट्स बुक माई शो पे है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। दिल्ली और गुड़गांव के लिंक एक्टिव हो चुके हैं, बाकी तीनों शहरों के लिंक बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि मैंने एक गूगल फॉर्म डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको जाके फिल करना, और आपको लिखना अपना नाम और आप कहां से हैं, क्योंकि जिस भी शहर से सबसे ज्यादा एंट्री जाएंगी नेक्स्ट लाइव शोज में वहीं पे करूंगा, तो एक बार उसको जाके फिल कर दो। बाकी थैंक यू सो मच, या थर्ड वीडियो बहुत जल्दी डालेंगे तो सब्सक्राइब कर लो यार।